बहुत सॉलिड है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसको मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेंशन ना ले, अपना देसी स्टाइल आ चुका है जो आपको एक सैम्पल कर दिखाया कि हाँ ये काम करता है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है ब्रश को क्लीन कैसे करें। आपके पास कोई ब्रशेस हैं, अगर वो ख़राब हो चुके हैं तो उसको ठीक कैसे करें। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ख़राब ब्रश को कैसे साफ़ करें। थोड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, अगर वो काम हो गया तो आपके लिए बेनिफिट है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, इनमें जो ब्रशेस आप देख पा रहे हो वो सारे ख़राब ब्रशेस रखे हैं सारे। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं कि ब्रश को साफ़ नहीं करते स्टार्टिंग से। जैसे कि एक डेमो दिखाऊंगा आपको मैं, जैसे कि ये कलर लगा हुआ है। अब एक जगह पर हम साफ़ करते हैं इसे, दूसरी बार दोबारा धोना चाहिए हमें, फिर भी आपको वहाँ पर गंदा निकलेगा। ये तो एक नॉर्मल सा चीज़ था कि काम किया, कलर लगा हुआ था, साफ़ कर दिया। लेकिन इस जगह पर ध्यान दें, इन ब्रशेस पे एक ही कॉमन गलती है, इस जगह पे हार्डनेस है। जब हम साफ़ करते तो ये साफ़ रहता है, लेकिन यहाँ इंक जम जाता है। ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। ज़्यादातर चीज़ों में ये देखो, ये तो पूरा हार्ड है। देखते हैं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, आई होप ये आपके काम ही आए और आपको थोड़ा मज़ा भी आए देखने में। कभी कभार क्या होता है कि ब्रश में कलर लग जाता है और उसको धोना भूल जाते हैं, तो ऐसा सॉलिड हो जाता है पूरा। तो इनको कैसे ठीक करें, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्पेंटाइन। मतलब अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हो तो टर्पेंटाइन का यूज़ करते ही होगे, क्योंकि ब्रश को साफ इससे सही होता है। तो इसका यूज़ करके देखेंगे कि ये सारे ब्रश साफ होते हैं या नहीं। आप कोई खराब सा सामान ले सकते हो या ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे आपको मैं एक अच्छे से चीज़ भी दिखा रहा हूँ कि काम करेगा कि नहीं। काम तो कर रहा है, मैं ये कितनी देर में होता है ये भी मैटर करता है। अगर 100 ml का लोगे तो 100 रुपये के आसपास आएगा, अगर आप 1/2 लीटर का लोगे तो ये 450 के आसपास होगा। और अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो ये पूरा ही खरीद लो, अगर कभी कभार काम करते हो तो 100 ml वाला खरीद लो। आपको अगर सिर्फ ब्रश साफ़ करने हैं तो ये रखो, ऑलमोस्ट काफ़ी पहले से इम्प्रूव आ गया ये। आपको ये ख़रीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इसका रिजल्ट देखते हैं, काफ़ी हद तक तो काम दे रहा है। फिर कपड़े से एक साफ कर रखे अलग से, काफ़ी हद तक आपका इंक हट चुका है। जो सॉलिड चीज़ था ना, बस थोड़ा बहुत रह गया, मतलब ये काम देता है। और इस पर कोई पानी मत मिलाना, जो जो आता है ना ये चीज़, यही लेना और इसके अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्ट देना, कोई पानी मिक्स मत करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑयल के लिए ही बना है, ऑयल कलर जो यूज़ करते हैं उनके लिए ही बना है। ऑयल वाले जो ब्रशेस हैं वो ये वाले, एक मिनट, ये वाले एकदम हार्ड। चलो देखते हैं इसका क्या होता है। बहुत सॉलिड है, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसको मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सोच रहा हूँ थोड़े से देसी स्टाइल में इसको ठीक करूँ। देसी स्टाइल वो क्या चीज़ है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, उससे पहले और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये ब्रश ना धोने का नतीजा है, तो ब्रश को पहले से इतना टेक करके रखोगे तो ये इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ, ये काम कर रहा है, ऐसे शेक करके देख सकते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही आपके जो कलर फैसे होते हैं निकलते हैं जब आप स्टार्टिंग में ब्रश का यूज़ करते हो। तो जब भी आपका कलर लग जाए तो पहले से इतना साफ करके रखे कि आपको ऐसी नौबत ना आए। चलो देखते, इस पर तो काम हो नहीं रहा, ये दो ब्रशेस तो नहीं हुए। अब देखते हैं ये वाला ब्रशेस, देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कम हार्ड है, शायद से इस पर साफ हो जाए। काम कर रहा है ये वाला, दिख रहा है किस तरह से कलर निकल रहा है। अगर आपके ब्रश ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कम हार्ड है, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, जो इतना हार्ड है उसको और कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके सामने भी ये दिख रहा है, गर्म पानी है और ये साबुन डाल रखा है और ये पानी है नॉर्मल। तो गर्म पानी से हम इसको धोएंगे, ये जो हार्ड है ना ये काम करता है कि नहीं अपना देसी स्टाइल में। देखो ये तो खुल रहा है इसमें,
अपना देसी तरीका बढ़िया है। ओहो देखो पूरा मैल कैसे निकल रहा है। इस तरह से आप साफ कर सकते हो क्योंकि मैल तो निकल रहा है इसका जो कलर है, मतलब मैल नहीं इसके जिसके अंदर जो गंदगी है इसका जो कलर है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, वर्ड में टेस्ट हो जाता कभी कभार, लेकिन फोकस करो जो काम कर रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। ये तरीका बढ़िया है। हाँ थोड़ा टाइम लेके अब करना, एक ही बार में 4-5 ब्रश जो भी आपके पास पड़े हैं ना पुराने उनको लेके बैठना, उनको ऐसे साफ करना, देखते कितना काम देता है ये। ठीक है ज़रा पहले से तो बेटर है, यहाँ से सारे पार्ट हट गए और इस दस भी निकल गए, मतलब दोबारा करेंगे तो हट जाएगा। तो उसको बार बार कर सकते हो जब तक ये कलर आपका निकल ना जाए ब्रश के अंदर से, जब तक इसके अंदर जान ना आ जाए ब्रश के अंदर। तो जान डालने के लिए गर्म पानी करें, ब्रश को साफ करें, ब्रश को धोने के होने के बाद जब ये इसमें से कलर निकल जाएगा देन उसके बाद उसको ऐसे साफ करें। यहाँ पर भी है और करें, काम तो कर रहा बढ़िया, 2-3 बार करना पड़ेगा आपको, कितना काम देता है ये। काम देखो कितना दे गया, पहले से इम्प्रूवमेंट है। अब साइड के रहेगा थोड़े थोड़े, उसको करेंगे वो बस काम ख़त्म। काम 25 है। देखो जिसके पास बजट नहीं है टर्पेंटाइन खरीदने का तो टेंशन ना ले, अपना देसी स्टाइल आ चुका है जो आपको एक सैम्पल कर दिखाया कि हाँ ये काम करता है। बाकी आपके ऊपर आप कितना पेशेंसली इसको साफ कर पाते हैं ये आपको पर डिपेंड करता है। साबुन से इसलिए साफ़ कर रहा हूँ इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाए, तो ऑलमोस्ट पहले से तो बहुत बेटर है। छोटी मोटी चीज़ें हैं यूज़फुल होने के लायक हो चुका है, आप उस पर दोबारा कलर लेके पेंट कर सकते हैं। इन तरीक़ों में से अगर काम नहीं कर रहा तो चौथा एक तरीका है, वो एक ही तरीका है, ब्रश को फेंक दो, नई ब्रशेस खरीद लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप ब्रशेस खरीदना चाहते हो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो 30% डिस्काउंट के साथ है, या फिर अगर कलर पैलेट खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें। तो बस जाने से पहले यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो में ही देखते रहें। शुक्रिया।